राम राम जी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस, तरबूज का जूस बनाएंगे, वो भी ना मिक्सी से ना जूसर से, हाथ से बनाना बताऊंगी मैं आपको। कितना ट्रांसपेरेंट अच्छा जूस निकलता है, सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत है, बहुत ही अच्छा बनता है जूस। मैंने एक नींबू काट के रखा है, थोड़ा सा पुदीना लिया, 5-7 क्यूब बर्फ के लिए, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई, अब ठंडा अच्छा लगता है। हम इसमें डाल लेंगे, ये हाथ से जूस निकालूंगी मैं, फाइबर भी अंदर जाएगा और हाथ से, देखो सारा टाइम मैं आपको एडिट नहीं करूंगी, वो दिखाऊंगी कितने टाइम में जूस निकल गया। अनार का और इसका तरबूज का मैं हाथ से निकालती हूँ, बहुत ही ट्रांसपेरेंट अच्छा जूस निकलता है, ना मैं मिक्सी यूज करती हूँ ना मिक्सी। तरबूज ज़्यादा लाल नहीं मगर मीठा तो है, ना मैं इसमें मीठा डालूंगी। शुगर फ्री जूस, सारे सीड ऊपर रह जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है मगर बहुत ही अच्छा जूस बनता है, साथ में एक्सरसाइज हो जाती है, हम सारा काम जल्दी करने की कोशिश करते हैं मगर किसी काम में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा, रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो वो जरूर करनी चाहिए। छोटे छोटे पीस काट के मैंने रख लिए थे। देखो कितना अच्छा जूस निकल रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही अच्छा है और साथ में फाइबर भी जाता है। देखो सिर्फ 5 मिनट लगे हैं हाथ से बनाने में, आप कहेंगे हाथ से बनाया, मैंने हाथ को अच्छी तरह धो के क्लीन करके उससे जो इसको प्रेस करके बनाया। देखो अभी हम सर्व करेंगे, देखो 2 ग्लास बन गए। एक में मैं नींबू डालूंगी, एक में नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा फास्ट आज, मैं नींबू नहीं लूंगी। दो मैंने स्लाइस काट के रखे थे, थोड़ा सा पुदीना, इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी रहती है। आप भी बनाएं हाथ से जूस बना के पिएं, बहुत ही अच्छा टेस्टी ट्रांसपेरेंट बनेगा, इसका टेस्ट अलग से होगा। अगर आपको मेरा बनाया हुआ जूस पसंद आए, आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ बना के पीना भी जरूर, फिर कमेंट करना आपको कैसा लगा।